कैलाश जी नमस्कार, आदाब। सवाल आपसे है, ये जो नंबर्स हैं, हम आपसे मिले थे इंदौर में आपकी जनसभा में, वहां पर जो माहौल दिख रहा था आपने बोला था देख लीजिए यही है वरदान लोगों का। क्या लग रहा है, आप किस नंबर से संतुष्ट हैं कि क्या होगा मध्य प्रदेश में? मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 130 से बढ़कर 160 के बीच में कहीं पर भी आकर नंबर रुकेगा और ये सब मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी, और उसी का कमाल है ये। और जो गरीब कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की थी, उसमें हमने गरीबों को फोकस करके और गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया है। प्रदेश में विकास भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, हमारी सड़कें, हमारे यहाँ पावर जी स्थिति बहुत अच्छी हुई है, और इसलिए एक प्रोग्रेस साफ दिखाई देती है और मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ने हमें इसीलिए खुद से आशीर्वाद दे रही है। कैलाश जी, 8 एग्जिट पोल्स में से 3 एग्जिट पोल्स क्लियरली आपके पक्ष में है, पर 5 एग्जिट पोल्स जो है वो शायद स्लाइटली कांग्रेस के पक्ष में है, तो आप उन एग्जिट पोल्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एग्जिट पोल ही है और इसलिए इसके बारे में सिर्फ एक संभावना है, कुछ आप लोग लिमिटेड कुछ टारगेट करके और एक संख्या का सैंपल लेते हैं, और इसलिए यदि स्लाइट कांग्रेस को आगे भी बता रहे हैं तो मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और शिवराज जी के प्रति बढ़ा है, और इसलिए महिलाओं के पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं आपके सर्वे वाले लोग, और महिलाएं साधारणतः बोलती भी नहीं है, और इसलिए बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और मेरा दावा है कि कम से कम 130 सीट आएगी और अधिकतम 160 तक जाएंगे। कैलाश जी, आप विमेन वोटर्स के बारे में अभी बता रहे थे, और आपके ख्याल से मध्य प्रदेश में विमेन वोट, द वुमन वोट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ हफ्तों में। सेंटर से, मध्य प्रदेश सरकार से भी कई स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं, 35% रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर विमेन, आपके ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में? देखिए, एक सतत चलने वाली सरकार जो पिछले 20 वर्ष से प्रदेश में काम कर रही है, लोगों ने खूब कहा एंटी इनकम्बेंसी है, सब कुछ है, पर एक विकास के लिए प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, और यह पूरा की पूरा चुनाव विकास को ध्यान में रखते हुए और डबल इंजन की सरकार, लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है, शिवराज जी के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के कारण हम सरकार फिर से बनेंगे। केला जी, भाजपा ने टिकट्स और कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट समय से पहले कर दिया था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुरू होने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद जमीन पर उतरे थे, आप खुद चुनाव लड़े हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो कंफ्यूजन रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भी आपके पक्ष में हो सकता है, वो एक इशू आपके फेवर में वर्क कर सकता है अगर ये नंबर सही रहे तो? देखिए, इसके बारे में अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और प्रदेश की जनता को मोदी जी और शिवराज जी पर विश्वास है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है परिणाम के। जो विष्णु बोल रहे थे महिलाओं के बारे में, तो आप ये मानते हैं कि लाडली बहना ने क्या आपको मदद की और आपके लिए शायद वही एक गुड न्यूज होगा जो विमेन वोटर है? और दो, अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो 2% कम आई हैं इस बार औरतें पोलिंग सेंटर्स में वोट करने के लिए, तो उन लोगों का वोटिंग बहुत अहम है, एक वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा के लिए इमर्ज हो रही है। देखिए, सभी वर्गों ने वोट दिया, विमेंस ने तो दिया ही है क्योंकि वे सुरक्षा सबसे पहले चाहती है, वो चाहती है कि उनके घर के अंदर उनके किचन में सस्ता गैस मिले, सब सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में इतना शानदार है कि बस रतलाम राजस्थान की तरह नहीं है, राजस्थान किस प्रकार महिलाओं के साथ रेप हुए, किस प्रकार राजस्थान में महिला असुरक्षित है, मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। आप तो इंदौर आइए, रात को 2 बजे भी हमारे यहाँ महिलाएं बिल्कुल आराम से शराब में चाट खाती है और निकलती है परिवार के साथ, तो उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो इस 20 साल के सफर में हमने विकास किया है, लर्न एंड ऑर्गमेंटन किया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है हमारे यहाँ, हमारी अगर आप देखेंगे तो पावर सरप्लस स्टेट है हमारा, सड़कें हमारी लगभग 5 लाख किलोमीटर हो गई है बिना गड्ढे वाली, मैं प्रीवियस मिनिस्टर था 2003 में,
60,000 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़कें, फिर आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें बिना गड्ढे वाली है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और लोग चलते हैं सड़क पर तो महसूस करते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल सुधरे हुए दिखते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें सरकार ने की है और इसका परिणाम है कि हम इस बार फिर से सरकार बना रहे हैं। ऑल राइट कैलाश विजयवर्गीय, थैंक यू वेरी मच। You are optimistic, all political leaders are right now. We'll see what happens in Sunday. But yes, there are clearly indicators that the BJP may do well. In other exit polls, it's going to be quite close.